दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हुई इससे रिलेटेड, जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम से बनते हैं हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर पेपर देख लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को हर हाल में मिलेंगे जरूर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पहले हिमालय पर्वत कैसे बना। तो देखिए, आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले, आज से लगभग 10 या 11 करोड़ साल पहले आपका ये ज़मीन थी। अब ये सब जियोलॉजी का टॉपिक है आपके को, यहाँ पर इसको केवल समझना है। ऊपर हमारी ज़मीन थी, इसके हम बोलते थे अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। ये अंगारा लैंड हो गया आपका, अंगारा लैंड, और नीचे वाला आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और बीच में इनके टेथिस सागर था, बीच में इनके क्या था, टेथिस सागर था। प्लेट टेक्टोनिक से ये होता है कि ये ज़मीन धीरे 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 ऊपर खिसकती खिसकती चली गई। टेथिस सागर का जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी मोरंग ये जितनी भी चीज़ें थी सब ये ऊपर, ये यहाँ जब पहुँचा यहाँ पर ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पर इसको उठा कर एक पर्वत बना दिया। अब कई करोड़ साल में धीरे धीरे इसके कंकड़ मिट्टी पत्थर सब सूख गए, तो वो क्या बन गया, पर्वत। देखिए जैसे ये, देखिए ये जमीन इधर खिसक खिसक के आ रही है ऐसे ऐसे, अब जब यहाँ खिसकी तो बीच वाली चीज़ों को ये ऐसे उठा दिया, तो इससे क्या बनते हैं, इससे बोलते हैं वलित, वलित बोलते हैं। तो हिमालय एक वलित या फिर मोड़दार पर्वत है, हिमालय एक वलित या मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत की जगह पर पहले कौन सा सागर था, टेथिस सागर। हिमालय पर्वत की जगह पहले आपका कौन सा सागर था, आप बोलेंगे टेथिस सागर था। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। देखिए हिमालय पर्वत की जो आपकी लंबाई है लगभग वो 2500 किलोमीटर लंबा है, 2500 किलोमीटर लंबा है लगभग, ठीक। और चौड़ाई लगभग इसकी 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर चौड़ा है लगभग, वो 2500 किलोमीटर लंबा है, ठीक। ये लगभग 10 करोड़ साल पुराना है। अब आप सोचेंगे 10 करोड़, तो जियोग्राफी में एक ही दिन में कुछ नहीं होता है, पर्वत वगैरह बनने में बहुत साल लगते हैं। फिर भी ये सबसे नया पर्वत है, सबसे पुराना आपका आरावली लगभग 1600 करोड़ साल पुराना है, ठीक। तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम इसका थोड़ा सा डिवीज़न देखते हैं, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊपरी भाग इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक। फिर जो इसके नीचे आता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। फिर आपका नीचे आता है वृहद हिमालय, ये हो गया हमारा वृहद हिमालय, ये हो गया वृहद, ठीक। फिर इसके नीचे आ जाता है आपका मध्य हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय। फिर जो इसके नीचे आता है वो देखिए, फिर इसके जो नीचे आता है ना वो शिवालिक हिमालय, थोड़ा इधर उधर फैला हुआ, ये आपका थोड़ा सा पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे चला जाता है ये, और बीच में जाकर थोड़ा सा यहाँ भी ऐसे मिल जाता है, और ये पूरा आपका फैला हुआ, ये आपका, ये पूरा आपका फैला हुआ है क्या, शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ कौन सा फैला हुआ है, शिवालिक हिमालय। देखिए जो ट्रांस हिमालय था ना वो हिमालय पर्वत के जब बन रहा था इधर हिमालय पर्वत, तो ट्रांस हिमालय पहले ही बन चुका था। तो सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय। पूछा गया क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और ये जो इस तरह से फैला हुआ, देखिए थोड़ा सा इसका भाग पाकिस्तान में चला गया है, और ये इस तरह से ऐसे ऐसे बीच में जाकर इसी में मिल गया है थोड़ा सा, फिर बाद में निकला है थोड़ा थोड़ा इधर अरुणाचल प्रदेश होते हुए, ये पानी में यहाँ बीच में डूब गया है, फिर जाकर उठा तो अंडमान निकोबार तक फैला है। तो मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार ये दक्षिणी यानी सबसे नीचे जो शिवालिक हिमालय ना उसी का हिस्सा कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका शिवालिक हिमालय का ही एक हिस्सा है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा और समझते हैं। देखिए ट्रांस का मतलब होता है इस पार से उस पार चले जाना, तो देखिए इस पार से उस पार सबसे देखोगे कि तो क्या दिखेगा, ट्रांस। तो इसीलिए इसका नाम है ट्रांस हिमालय। जैसे हम यहाँ हैं, हमारी पीठ पीछे, तो हमारी पीठ आपके लिए उस पार है, तो ट्रांस हो गई। तो ट्रांस का मतलब इस पार से उस पार, तो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। जैसा कि नाम से पता चला है ट्रांस हिमालय की जो आपकी औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 किलोमीटर है, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग आपकी 6100 किलोमीटर है, कितनी है 6100 किलोमीटर। मध्य हिमालय की ऊंचाई लगभग 3000 किलोमीटर है, लगभग कितनी है 3000 किलोमीटर की इसकी क्या है औसत ऊंचाई है। अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं कि इनको अलग करने वाली, यानी कि ये ट्रांस हिमालय, ये वृहद हिमालय, इनको अलग करने वाला पार्ट क्या है, इनको अलग करने वाला, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करने वाली जो आपकी रेखा है उसे हम बोलते हैं सचर जोन। उसे क्या बोला जाता है, सचर जोन। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करती है आपकी सचर जोन, कौन, सचर जोन, ठीक। मध्य हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है आपका मध्य हिमालय। देखिए मध्य मतलब बीच में आ गया, तो मेन है, मेन है तो क्या है, बीच वाली चीज मेन है, तो इसे हम बोल देते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे क्या बोल देते हैं हम, इसे हम बोल देते हैं मेन
सेंट्रल और आपका थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है कौन सा ग्रेट, थोड़ा सा यहां पर हम साफ साफ करके लिख देते हैं, देखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ट्रांस और वृहद को अलग करता है आपका कौन सचर जोन, सचर जोन, ट्रांस और वृहद को अलग करता है आपका सचर जोन, ठीक। फिर वृहद और आपका मध्य हिमालय को अलग करता है कौन सा, तो ये आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आपका मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। सबसे ऊपर सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग पेन कॉपी लेकर नोट भी कीजिए साथ में। देखिए सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय को सचर जोन, वृहद हिमालय मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्योंकि बीच में है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, नीचे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, सबसे नीचे क्या है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इसका एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए। अब हम एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले ट्रांस पढ़ेंगे, फिर आप वृहद पढ़ेंगे, फिर ये सब डिटेल में अच्छे समझेंगे। एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को सबसे पहले। देखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को ही प्राचीन हिमालय भी बोला जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग आपकी कितनी 6000 किलोमीटर, औसत ऊंचाई इसकी लगभग 6000 किलोमीटर है, तो हम इसको यहां बना लेते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय को मेनली चार भागों में बांटा जाता है, चार, ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं, चार भागों में बांटा जाता है, ट्रांस हिमालय के चार भाग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। शॉर्ट ट्रिक होती है कलेजा पार, कलेजा पार, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कलेजा पार, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और ये आपका जास्कर और ये आपका पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, साथ में बोलिए ट्रांस हिमालय के चार भाग कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी चोटियां हैं, ठीक, तो हम ये बोल देते हैं जैसे काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, 4, 5 ऐसे करके, तो सबसे जो इसकी ऊंची काराकोरम 1, तो इसे हम बोल देते हैं K2, क्या बोल देंगे K2। तो काराकोरम ये देखिए आप, देखिए आप बहुत लड़कों को याद होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 मार देते हैं, क्या मार देते हैं, क्या आपको पता है वो किस हिमालय का हिस्सा है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय में भी किस हिमालय का, काराकोरम का हिस्सा है, कौन सा K2, समझ गए कि नहीं, तो K2 देखिए यहां पड़ता है, लेकिन ये भाग तो POK में है, तो भारत की नहीं है ये, तो POK में चली गई, भारत की है कंचनजंगा, अभी आ रहा तो समझाते हैं आपको, ठीक। तो ये हमारा K2 गया, और इसकी एक फेमस याद रखेगा K2 K3 K4, K2 और K4 दो चोटियां इसकी फेमस, इनको याद रखेगा, पेपर में पूछा जाता है। K4 देखिए K2 को हम लोग बोलते हैं गार्डविन आस्टिन, K2 को क्या बोलते हैं हम लोग, K2 को गार्डविन आस्टिन, K2 को हम लोग गार्डविन आस्टिन बोलते हैं, K4 को क्या बोलते हैं गैसर ग्रुम, K4 को गैसर ग्रुम, K2 और K4 गैसर ग्रुम बोलते हैं, ठीक। लद्दाख की आपको एक ही चोटी याद रखनी, लद्दाख की एक चोटी याद रखनी, इसे बोलते हैं राका पोसी, इसे बोलते हैं राका पोसी, दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी ढाल की चोटी है राका पोसी, राका पोसी कहाँ आती है लद्दाख, इसमें आती है लद्दाख में, राका पोसी, देखिए खड़ी ढाल का मतलब ये आपका पर्वत है इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर आप ऊंचाई पर चले जाएंगे ना, यहाँ से अगर कूदेंगे तो सीधे धड़ाक से नीचे चले जाएंगे, एकदम खड़ी ढाल का पर्वत कौन सा है राका पोसी, जो कहाँ आता है हिमालय में आता है। और आपको इसमें क्या याद रखना है ट्रांस हिमालय में, और आपको इसमें चार प्रमुख वो याद रखना है ग्लेशियर, अब इसके चार ग्लेशियर याद रखना है, चार प्रमुख ग्लेशियर, आपको इसके चार प्रमुख ग्लेशियर के नेम याद रखना है। देखिए एक आपका होता है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, बालटोरो, बालटोरो, एक आपका हो जाता है वियाफो, सियाचिन, बालटोरो और वियाफो, और एक आपका हो जाता है सियाचिन हो गया आपका, और एक हो जाता है बालटोरो, एक हो जाता है वियाफो, और एक हो जाता है आपका, तीन ही मेन होते हैं इसके, तीन याद रखिए मेन बस, सियाचिन, बालटोरो, वियाफो, तीन प्रमुख ग्लेशियर याद रखिए, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। अब एक बार जल्दी से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय कितने भाग, चार, चारों के नेम बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शॉर्ट ट्रिक कलेजा पार,
कलेजा पार, सॉटरिक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए काराकोरम की दो प्रमुख चोटियों के नाम बताइए, K2 K4, K2 को गाडविन आस्टिन, K4 को गैसर ग्रुम, K4 को गैसर ग्रुम। फिर आपको याद रखना है कि आपका देखिए राकापोसी लद्दाख में आता है, दुनिया का सबसे ऊंची खड़ी ढाल का पर्वत है, ठीक। और तीन प्रमुख ग्लेशियर याद रखिए, सियाचिन हो गया आपका दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान है, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते हैं ना, ऐसी बर्फ जो हजारों सालों से जमी रहती है उसे बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक। सियाचिन बाल्टोरो बियाफो, तो दोनों बा से नाम आ रहे हैं, बाल्टोरो बियाफो, बाकी सियाचिन तो आपको याद होगा। तो ये हो जाता हमारा ट्रांस हिमालय, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बृहद हिमालय, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बृहद हिमालय से, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बृहद हिमालय को पढ़ना। बृहद हिमालय की ऊंचाई लगभग आपकी कितनी है, 6100 किलोमीटर। सबसे ऊंचाई पर कौन है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम लोग सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, कई सारे नामों से जाना जाता है, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा है, ठीक। तो ये आपका बृहद हिमालय होगा। बृहद हिमालय देखिए हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे इसको, बृहद हिमालय आपका, इसमें बहुत सारी पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। बृहद हिमालय में आपका बहुत सारी पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। देखिए सबसे इधर आपका पड़ता है नंगा पर्वत, ठीक। ये आपका नेपाल में है, सॉरी ये आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है, पाकिस्तान में। इधर नंगा पर्वत से इधर आपका नामचा बरवा तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ। अब हम लोग एक एक चोटियाँ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता है आपका पूरब से पश्चिम चोटियों का क्रम बताइए, पश्चिम से पूरब चोटियों का क्रम बताइए, तो आपको हर एक याद करवाते हैं हम लोग। नंगा पर्वत हो गया, उसके बाद आप आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका मिलेगा बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ, फिर ये आपका कामेत और ये आपका नंदा देवी। बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, ठीक। देखिए बंदरपूछ और कामेत के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत है, जैसे आपका ग्लेशियर हो जाते हैं गंगोत्री, तो यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा लफड़ा कहाँ किन के बीच में, बंदरपूछ और कामेत के बीच में। तो मेन यही आपको याद रखना है, नंगा पर्वत बंदरपूछ कामेत और नंदा देवी। अब हम लोग बढ़ते नेपाल में। नेपाल में बहुत सारी चोटियाँ हैं। देखिए नेपाल में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, सबसे पहले आपका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, मैकालू। देखिए सबसे पहले इसका छोटा सा ट्रिक होता है, सबसे पहले धौलागिरी मतलब धोइए किसको, अन्नपूर्णा, अनाज को। तो सबसे पहले धोइए किसको, अनाज को धोइए। बिना मसाले के क्या आप बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। तो मनसालू, अब सब बन गया तो उसको लेकर छू हो गए, छोयू कहाँ, गौरी शंकर यानी शंकर जी उसको लेकर छू हो गए, कहाँ हो गए, एवरेस्ट पर। फिर मैं खा लूँ, अब वो कह रहे कि मैं खा लूँ। देखिए एक बार समझाते हैं, सबसे पहला आपका धौलागिरी, ये धौलागिरी, फिर ये आपका हो जाता है धौलागिरी के बाद आपका हो जाता है क्या, सबसे पहले धौलागिरी के बाद आपका अन्नपूर्णा, उसके बाद आ जाता है मनसालू के बाद आपका क्या आ जाता है, गौरी शंकर के बाद आ जाता है आपका छोयू, और उसके बाद आपका ये एवरेस्ट है, सबसे पता है आपको ये क्या है, एवरेस्ट है। इसके बाद मैं कालू। देखिए ट्रिक देखिए, सबसे पहले धोइए किसको, धोइए अन्न को, बिना मसाले के क्या अन्न बना सकते हैं, नहीं। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, मैं कालू। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अन्न को धोइए, तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धोइए अन्नपूर्णा, अन्न को बिना मसाले के तो बना नहीं सकते, तो मनसालू, जब बना लिया सब चीज़ तो शंकर जी लेकर छू हो गए, तो गौरी शंकर, छोयू, कहाँ छो हो, छू मतलब कहाँ गए, तो एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट। अब वो बोल रहे हैं क्या, मैं खा लूँ, याद हो जाएगा। उसके बाद आप सिक्किम में देखे होंगे कंचनजंगा, सिक्किम में आपका क्या पड़ता है, कंचनजंगा। देखिए
पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। अब एक बार यहाँ से बोलना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपका पाकिस्तान में नंगा पर्वत, पाकिस्तान में नंगा, उत्तराखंड में ये बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी। फिर आ जाइए आप कहाँ पर, नेपाल में, ट्रिक के साथ बोलिए। सबसे पहले धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, साथ में बोलिए यार, धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद आ जाएगा मनसालू, फिर आपका गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट मैकालू, फिर कंचनजंगा और आपका नामचा बरवा। तो ये देखिए आपसे, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछ लेगा पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए, पश्चिम से पूरब का क्रम बताइए। लो तो जैसे आप इस तरह नहीं पढ़ोगे तो क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे आपका। ठीक, तो ये याद रखिए वृहद हिमालय का ये पार्ट है सारा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय की ऊंचाई लगभग आपकी 3000 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई लगभग इसकी 3000 किलोमीटर है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय आपका पर्यटन के लिए फेमस है, किसके लिए, पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ आपके पर्यटन लायक जगह जैसे आपका नैनीताल, नैनीताल हो गया आपका, ठीक, और आपका हो गया शिमला, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू घाटी हो गई आपकी, कुल्लू वैली, और आपका मसूरी, जितनी भी आपके पर्यटन के लिए फेमस है। समझ गए कि यहाँ घास के कुछ मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, दो घास के मैदान याद रखिए, जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, मर्ग। तो गुलमर्ग और सनमर्ग, सोनमर्ग, ये चीज़ें याद रखिएगा। उसी घास के मैदान को उत्तराखंड में पयार बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, पयार। तो बस याद रखिए मध्य हिमालय जो आपका है ना, ये आपका पर्यटन के लिए फेमस है। ठीक, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा शिवालिक हिमालय को, जो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा फैला हुआ है। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं किसको, हम लोग समझते हैं अब लोग लास्ट में शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक। देखिए दोस्त, शिवालिक जो हिमालय है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊटपटांग है। यहाँ पर आपका जो पाकिस्तान में पार्ट चला जाता है, इसे हम बोलते हैं किरथर सुलेमान, सुलेमान और किरथर। देखिए पाकिस्तान में जाता है, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ये आपका पाकिस्तान में सुलेमान, किरथर, फिर यहाँ पर बीच में आपका थोड़ा सा आता, फिर ये मध्य हिमालय में ही मिल जाता है, फिर ये जाकर पार्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, मिरी, मिकीर की पहाड़ी, असम में। ठीक, उसके बाद मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, फिर आपका इधर आराकाम पर्वत, फिर बीच में डूब गया है और जाकर निकला कहाँ है, अंडमान निकोबार में, समझिए। तो यहाँ देखिए ये आपका सुलेमान, सुलेमान, और ये आपका किरथर, ये पाकिस्तान में इन पहाड़ियों का नाम है किरथर, सुलेमान किरथर, सुलेमान किरथर। इनको पता ही नहीं ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, पाकिस्तान वालों को, सुलेमान किरथर। फिर ये बीच में आपका शिवालिक है, ये बीच में आपका क्या है, शिवालिक। फिर यही पार्ट जो चला जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो हो जाता है डाफला, साथ में लिख लीजिएगा आप लोग, डाफला, अबीर, मिसमी, डाफला, अबीर, मिसमी, डाफला, अबीर, मिसमी, फिर पटकोई बूम, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, असम में मिकीर की पहाड़ी, फिर मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। फिर यही आपका इधर म्यांमार और इंडिया से सीमा बना लेता है अराकाम योमा, घूम गया थोड़ा सा, ये क्या है, अराकाम पर्वत, अराकाम योमा, अराकाम योमा पर्वत। ठीक, फिर नीचे आपका अंडमान निकोबार, तो यानी अंडमान निकोबार शिवालिक हिमालय का ही सबसे क्या है, दक्षिणी विस्तार है। देखिए ट्रांस हिमालय का थोड़ा सा हम बता देते हैं, ट्रांस हिमालय का थोड़ा सा भाग उत्तर में उभर ऊपर निकल गया है इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं पामीर नॉट, पामीर का पठार। यही ट्रांस हिमालय ही थोड़ा ऊपर में फैल गया, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोल देते हैं आपका पामीर का पठार, पामीर नॉट, है कि नहीं। और ये थोड़ा सा इधर चाइना साइड में इस तरह जाकर फैल गया, इसे हम बोलते थे कैलाश पर्वत, क्या बोल देते हैं, कैलाश पर्वत। पूछा गया क्वेश्चन कि ट्रांस हिमालय का उत्तरी विस्तार क्या है, तो पामीर का पठार, ट्रांस हिमालय का दक्षिणी विस्तार क्या है, तो कैलाश पर्वत, क्या है, कैलाश पर्वत। अब एक बार ये बताइए जल्दी, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच को अलग करता कौन, सचर जोन या हिंज लाइन भी इसे बोलते हैं, सचर जोन या हिंज लाइन। और वृहद हिमालय मध्य हिमालय को अलग करता मेन सेंट्रल थ्रस्ट और नीचे वाले को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताते जाइए, हिमालय को अगर हम डिवाइड करें तो कितने पार्ट में, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय का चार पार्ट में डिवाइड करिए। देखिए ट्रांस पढ़िए अलग, ट्रांस हिमालय चार पार्ट, कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, चारों पार्ट में डिवाइड करिए। यहाँ की दो प्रमुख चोटियाँ बताइए, दो प्रमुख चोटियों के नेम आप क्या बताएंगे,
K2, K4, गाडविनास्टिन गैसर ग्रुम, गाडविनास्टिन गैसर ग्रुम, लद्दाख में आपकी राकापोसी, दुनिया के सबसे ऊंची खड़ी ढाल का पर्वत है राकापोसी। तीन प्रमुख ग्लेशियर के नेम बताइए, सियाचिन, बाल्टोरो बियाफोर। सियाचिन, बाल्टोरो बियाफोर, एक हिस्पर ग्लेशियर भी यहीं पड़ता है, ठीक। तो ये तीन आपको पक्का याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हो गया, बाल्टोरो बियाफोर, ठीक। तो ये आपका हो जाता है क्या, उत्तरी विस्तार देखेंगे पामीर, दक्षिणी में देखेंगे कैलाश पर्वत। तो ट्रांस हिमालय खत्म, फिर आ जाते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में इधर से चोटियों के नाम बताइए, नंगा पर्वत, साथ में बोलिए दोस्त जहां भी आप बैठे हैं, ये आप बोलेंगे नहीं याद नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। हर चीज की ट्रिक के पीछे मत भागा करिए आप लोग, है ना, आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं ट्रिक के पीछे, बोलिए साथ में, नंगा पर्वत पाकिस्तान में। फिर उत्तराखंड में आएंगे तो क्या मिलेगा आपका, उत्तराखंड में मिलेगा बंदरपूछ कामेत, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, नंगा पर्वत सबसे पहले उधर पाकिस्तान में। फिर आप उत्तराखंड में आएंगे तो क्या मिलेगा आपका, उत्तराखंड में आपका मिलेगा बंदरपूछ कामेत नंदा देवी। नेपाल में आइए, सबसे पहले धोइए तो धौलागिरी, किसको, अन्न को, अन्नपूर्णा, फिर मसाला डालिए मनसालू, अब जब बन गया तो गौरी शंकर लेकर कहाँ हो गए, छू हो गए, तो छोयू कहाँ गए, एवरेस्ट पर, फिर बोल रहे क्या मैं खा लूँ, तो मैं खा लूँ, तो नेपाल का काम खत्म। फिर हम पहुँचेंगे कहाँ, सिक्किम में, तो कंचनजंगा। देखिए भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो वो कंचनजंगा है, लेकिन भारत ने, सॉरी भारत में इस समय कौन है, तो कंचनजंगा, लेकिन भारत की तो आप बोल देते हैं K2, जबकि K2 एक्चुअल में कहाँ है, POK में है, ठीक, लेकिन हम तो नहीं मानते ना, एक दिन POK लेकर आएंगे। उसके बाद हम शिवालिक देखे, शिवालिक हिमालय का बहुत टूटा फूटा इधर उधर से फैला हुआ है, इधर आपका किरथर सुलेमान पाकिस्तान में चला जाता है, ये आपका शिवालिक। फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाता है, देखिए डाफला अबीर मिसमी पटकोई बूम, फिर आपका मिकीर की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, फिर आराकाम पर्वत, बीच में डूब गया थोड़ा सा भाग जाकर, और ये आपका अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार, ठीक। तो ये आपका हिमालय पर्वत हो जाता है, लेकिन अभी ये नहीं खत्म हुआ, अब ये क्या कर दिया गया, अब जो मतलब कि आजकल के साइंस जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इस सिद्धांत को काट दिया, कहा हिमालय पर्वत को ऐसे डिवाइड नहीं करते। अब लो आप लोग सोच रहे हो इतना पढ़ा अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन इससे पूछे जाते एग्जाम में, इसीलिए समझ गए कि नहीं। अब इसको उन्होंने नदियों के हिसाब से डिवाइड कर दिया, उसे बोल देते हैं प्रादेशिक विभाजन। तो नदियों के हिसाब से कैसे इसे डिवाइड किया जाता, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। आप लोग इसको लिखिए एक बार, दो तीन बार पढ़िए कायदे से, अगर सच मायने में आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो खुद मेहनत करना सीखिए, क्योंकि आप मेहनत करना जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ट्रिक के पीछे इधर उधर स्क्रीन सटकाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। मेहनत करना सीखिए, और याद करने का बेस्ट अप्रोच जानते क्या होता है, कोई आपका दोस्त जो थोड़ा कम होशियार हो, ज़्यादा होशियार आपसे नहीं समझ सकता, कम होशियार को उसको आप समझाइए ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, तो आपको अच्छे से और ज़्यादा याद होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप कोई प्रतिक्रिया दीजिए ज़रूर, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो थोड़ा सा तो आप लोग भी साथ दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, है ना, शेयर भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।